परमेश्वर का प्रिय दर्शक, आज हम लोग का जो मीमांसाओं का जो रास्ता है, रास्ता का ऊपर में हम लोग बातचीत चलाएगा। तो हम लोग का जो भी रिपोर्टर है लांटिंग में है हमारा डेनू हसमुख, और हरंगाजाव में है हम लोग का सुबोधे, और उमांशु में है रिजुनम गुड़ीसा। तो हम लोग उन लोग से जानने की कोशिश करेंगे जो आज का दिन में हम लोग का जो दिमाग है, अभी शांति आने का बाद में बहुत सारा डेवलपमेंट का आग बढ़ा है, लेकिन रास्ते की वजह से, रास्ता खराब होने के कारण से हम लोग को ये डेवलपमेंट रुका हुआ है, खराब हो गया रास्ता, कम्युनिकेशन बहुत खराब है, इसलिए बिजनेस हम लोग का बिजनेस बहुत डाउन है, रास्ता का तो बहुत प्रॉब्लम है, सब गाड़ी इधर नहीं आते, मौसर वही के चला जाते क्योंकि रास्ता खराब है, रास्ता खराब है बोलते मैच पर भी आजकल रास्ता के लिए नहीं आते, पूरा रास्ता है लेकिन अभी टू खराब है, बहुत खराब है, एकदम मुक्ति भी नहीं करता, नहीं बहुत दिन से नहीं है, बहुत दिन से इटू रास्ता तो अभी इधर ज्ञानगी टू लंका थोड़ा अच्छा है, ज्ञानगी टू आप लोग अमरांशु बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो डेनी डेनी आप बताइए आपका लैंडिंग में रास्ता का हालत कैसा है? नमस्कार, फिलहाल में दिमागताओं लॉन्चिंग पुलिस स्टेशन के जो अंदर गिरते हैं वो मायलू रोड पे हूँ मैं मायलू का हाल अब मैं देखा हूँ कि जो वहाँ के हाल है कि मेरा गाड़ी चलने का भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, जो कि आपका लॉन्चिंग पुलिस स्टेशन से मायलू का दूरी आपका 15 से 16 किलोमीटर का है, पर वहाँ गाड़ी अब एक घंटा से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि लोगों का चलना बहुत मुश्किल पड़ता है, जो कि वहाँ आपका मायलू में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ का जो पोलिंग स्टेशन के अंदर में आपका 5 गांव है उसी गांव में है, पर उस गांव में जाकर जो लोग वोट देते हैं वो भी बहुत तकलीफ से देते हैं। अभी जो फिलहाल लोग गांव से जो भी सामान लाते हैं, जो कि खेत के जो सामान लाते हैं वो भी बहुत मुश्किल से लाते हैं, इसलिए तो वहाँ गाड़ी जाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, और गाड़ी वालों भी वहाँ गाड़ी ले जाने बहुत तकलीफ से ले जाते हैं, और गाँव वाला का कहना है कि अगर इसी तरह रास्ता रहेंगे तो गाँव वाला जो भी खेत में मिलते हैं वो यहाँ बाजार में लाके बेचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली आपको पास फिर से आऊंगा, अभी हम सुब्रो के पास जाना चाहता है। सुब्रो आप बताइए जो हरंगाजाओ का जो महासड़क है, महासड़क छोड़ के भी जो रास्ता है, क्या हाल है, क्या पोजीशन है? हरंगाजाओ पे यहाँ का बहुत ही मतलब अवस्था खराब ही बोलने से चलता है कि 30 किलोमीटर है हम लोग हरंगाजाओ से, लेकिन आपको जाने में 4 से 5 घंटे लग जाता है, और बारिश का कारण वहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब डेथ भी हो चुका है, एक दो आदमी मतलब मरा भी किया है, तो फिलहाल बहुत ही खराब रास्ता है हरंगाजाओ का NH-54 का। आप वो पब्लिक से, वो वहाँ का जनगण से बात कीजिएगा, और जो रास्ता के बारे में उनका जो विचार है वो भी आप हम लोग हिल्स लाइव का दर्शकों को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो हम अभी जानना चाहता हूँ, हमारा उमरांशु में एक रिपोर्टर है रिजू नाम मुनीषा, आप बताइए उमरांशु का रास्ता का हाल कैसा है और कितना तकलीफ में है रास्ता के लिए? हेलो रिजू, हाँ जी, हाँ मैं आप हरंगा उमरांशु का रास्ता का हाल कैसा है और उनका लिए कैसा तकलीफ हो रहा है? जी मैं फिलहाल नेपको सराउंडिंग्स में है, नेपको एरिया में, और उमरांशु का एक्चुअली उमरांशु गिरता जो मेघालय और असम बॉर्डर इस एक्चुअली लिंकेज जो है लिंक रोड उमरांशु का जितना भी है लिंकेज रोड, जैसे कि यहाँ से लेकर हाफलोंग और यहाँ से लंका और यहाँ से मेघालय, ये लिंक रोड जितना भी है सब खराब है, और जितना भी हेलो हाँ जी एक्चुअली मेन चीज क्या है, यो उमरांशु इज वन ऑफ द कमर्शियल प्लेस ऑफ दिमाग डिस्ट्रिक्ट, जितना भी काउंसिल को जितना भी रॉयल्टी मिलता है वो एक्चुअली मैक्सिमम उमरांशु से मिलता है, तो इट्स एक्चुअली मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया ऑफ दिमाग डिस्ट्रिक्ट, इन दिमाग डिस्ट्रिक्ट मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया आई सपोज उमरांशु इज, तो लिंकेज रोड जितना भी मोस्ट एसेंशियल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सिर्फ रोड की वजह से हो रहा है अभी।
जी इसका मतलब हो गया हम लोग का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे रुका हुआ है रास्ता का लिए, रास्ता जबकि हम लोग हर सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रास्ता एक पाइपोलर रोड प्ले करता है, लेकिन हमारा डिमांड में पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये साथी घूर के फिर के आने से आने के बाद में भी ये रास्ता का ऊपर नजर नहीं गिरा किसी को, इसलिए आज हमारा डिमांड अभी भी बहुत पीछे जा रहे हैं। अभी देनी आप थोड़ा और विस्तार से बताइएगा, क्योंकि लांगटिंग जो एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है आसपास का, तो आसपास का रास्ता का कम्युनिकेशन का कैसा हाल है? जो मैं जाना गया है आपका, आज जो मैं फिलहाल गया आपका लांगटिंग से माइलों तक ही गया, इतना तक में जो मैं देखा है बहुत ही हाल खराब है। आपका गाँव वालों का भी कहना है कि वहाँ पीडब्ल्यूडी के जो स्टाफ है वो तो आपका जहाँ पे पीस टूटा हुआ हुआ तो वहाँ मिट्टी से पिलाप कर देते हैं, पर कभी वो बारिश ज्यादा से वो हट जाते हैं और वहाँ से हमेशा गाड़ी आते जाते हैं, तो वो जो मिट्टी डालते हैं वो उस रोड से वो साइड हो जाते हैं और वहाँ पे जो आदमी चलना भी मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है देनी आपसे हम काफी हम लोगों को पता चला जो लंबिंग एरिया का रास्ता का हाल क्या है। शुभ्रो आप थोड़ा विस्तार से बताइएगा, जो हम लोग सिंचाई रोड को छोड़ के बाजू बाकी जो गांव का रास्ता है उसका हाल कैसा रहा? आपका रास्ता पूरा हालत ही खराब है, जो कि यहाँ पे एनजीओ और पब्लिक लोगों मिल के यहाँ पे धरना वगैरह का धरना भी दिया था, लेकिन आपका डीसी भी आया था तो डीसी ने बोला कि 7 डेज के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा, NHIA का आदमी भी बोला था आपका 5 डेज के अंदर स्टार्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन एक साल हो गया कोई काम नहीं चल रहा है, हालत बहुत ही खराब है। तो आपको डेली आपको 2-3 गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो रहा है, ब्लॉकेज हमेशा रहता है, वही चल रहा है हरिंगा जो का। ठीक है सुब्रो, हम आपको पास फिर से आएंगे, हमारा पास रिजू फिर आपके पास आ रहे हैं, आप थोड़ा सा और भी बताइए, जो ये जो उमरांसू का पिंगल जो एरिया है जबकि वो बॉर्डरिंग एरिया है, तो वो बॉर्डरिंग एरिया में कैसा हाल रहा? हेलो एक्चुअली हेलो एक्चुअली एक्चुअली उमरांसू का मेन प्रॉब्लम क्या है कि एज पर द रिपोर्ट आई स्टडीड एक्चुअली उमरांसू का जो लिंक रोड स्पेशल एक्चुअली ये लंका रोड जो है और ये मेघालय का जो रोड है उमरांसू का जो लिंक रोड, ये दोनों का एक्चुअली एज पर द रिपोर्ट जो यहाँ पे फैक्ट्री है जो डालमिया फैक्ट्री और नेपको डिपार्टमेंट, ये इस दोनों से ये डिमासाओ डिस्ट्रिक्ट का काउंसिल का सर कुछ एग्रीमेंट किया हुआ था रोड के लिए, लेकिन अभी तक प्रोसेस में नहीं हुआ क्या, मतलब जैसे सब मिट्टी से फिलअप किया है लेकिन बहुत ही कंडीशन खराब है, स्पेशली दैट 3 किलो रोड 3 KM रोड जो हम लोग सुब्रो जी और डेनी जी हम लोग को काफी ये बात बताया रास्ता के बारे में, डिमांसाओ का रास्ता के बारे में, हम लोग आगे ऐसा और भी बात करते रहेंगे, तो फिलहाल यहाँ पे एक हम लोग अंतिम विदा लेते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिल साहब का प्रियोदर्शक।